दोस्तों आथिया शेट्टी और सुनील शेट्टी ने बड़ा बयान दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के बाद। केएल राहुल से लेकर मयंक यादव की तारीफ करते हुए आथिया शेट्टी और सुनील शेट्टी ने जो बड़ी बात कही है, और इसके साथ ही सुनील शेट्टी ने विराट कोहली के बारे में जो बड़ा बयान दिया है उसे सुनकर आप हैरान जरूर होंगे। तो चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों साल 2024 के आईपीएल में आरसीबी को एक और शर्मनाक शिकस्त झेलने को मिली है। मुकाबला विराट कोहली की टीम के घर में ही खेला गया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी को 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। मुकाबले में टॉस जीता फैफ डू प्लेसिस ने, लेकिन मुकाबला जीता लखनऊ सुपर जायंट्स ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 181 रन बनाए, जिसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डिकॉक ने 81 रन ठोके। अपनी पारी में उन्होंने 8 चौके 5 छक्के लगाए, लेकिन सच कहें तो मुकाबले में दिल जीतने वाली और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की निकोलस पूरन ने, जिन्होंने केवल 21 गेंदों में 40 रन ठोके, 1 चौके और 5 खतरनाक छक्के लगाए। पूरन के अलावा मार्कस स्टोइनिस ने भी 15 गेंदों में 24 रन बनाए, 1 चौका 2 छक्का लगाया। केएल राहुल ने भी 14 गेंदों में 20 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की पूरी टीम महज 153 रनों पर ऑल आउट हो गई। आईपीएल इतिहास में आरसीबी की टीम 24 बार ऑल आउट हुई है, और उनसे ज्यादा केवल दिल्ली की टीम ही ऑल आउट हुई थी, जो 25 बार ऑल आउट हुए हैं, और हो सकता है आरसीबी ये रिकॉर्ड भी तोड़ दे। मुकाबले की हाईलाइट रहे मयंक यादव, जिन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करके बल्लेबाजों के मन में दहशत पैदा कर दिया है। इस गेंदबाज ने लगातार 156 की गति से गेंदबाजी की। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में मात्र 14 रन देकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। लखनऊ सुपर जायंट्स की लाजवाब जीत के बाद आथिया शेट्टी और सुनील शेट्टी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ये एक बेहतरीन मुकाबला था, और सच कहें तो ऐसी जीत खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। राहुल ने आगे से टीम को लीड किया है, उनकी कप्तानी शानदार रही है। वहीं दोस्तों सुनील शेट्टी ने विराट कोहली के बारे में भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मैं विराट का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, उनकी बल्लेबाजी का मैं फैन हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि आरसीबी अच्छा करे, क्योंकि आरसीबी एक बेहतरीन टीम है और उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। पर हाँ, इसके लिए उन्हें अच्छा खेलना होगा, उन्हें अपनी टीम में बदलाव भी करने की जरूरत है। हमारी टीम लखनऊ का प्रदर्शन शानदार है, और मुझे लग रहा है कि वो इस बार चैंपियन बन सकते हैं, क्योंकि वो चैंपियन की तरह खेल रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आथिया शेट्टी ने केएल राहुल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, वो बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं और उनकी कप्तानी में टीम जीत रही है, हम इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के बाद आथिया शेट्टी और सुनील शेट्टी ने बड़ा बयान दिया। सुनील शेट्टी ने तो विराट कोहली के बारे में भी बड़ी बात कही, और उन्होंने यहां तक ये बात भी कह दी कि वो विराट के बड़े फैन है और वो चाहते हैं कि आरसीबी अच्छा करे। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि विराट कोहली की टीम यहाँ से कमबैक कर पाती है या नहीं। वैसे आप सभी का क्या मानना है, जिस तरीके से मयंक यादव ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार 155 की गति से गेंद डाल रहे हैं, क्या उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।